इससे पहले अपन ने 5 क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस की थी, आज क्वेश्चन नंबर 6 है। द फील्ड ऑफ कल्याण इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट, द डायगोनल ऑफ दिस फील्ड इज 220 मीटर। अब क्वेश्चन सुन रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ इस तरीके का कोई फील्ड है, कल्याण नाम का कोई लड़का है। द फील्ड ऑफ कल्याण इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट, तो कल्याण नाम कोई लड़का है जिसका कोई खेत है जो कि अपने क्वाड्रेंट सर्कल में दे रखा है, मतलब कि फोर साइड का कोई खेत है। इसकी जो एक डायगोनल है वो दे रखी है आपको 20 मीटर। तो डायगोनल जैसे अपन ये मान लेते हैं, तो ये डायगोनल दे रखी है आपको 220 मीटर। और इसी तरीके से अगर अपन आगे पढ़ते हैं तो एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टेक्स, और उसके अलावा जो दूसरे जो वर्टेक्स है उस वर्टेक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाए हुए हैं। एक परपेंडिकुलर ये बना दिया और दूसरा परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे बना के दे दिया। इस तरीके से है, इनकी आपको साइज जो दे रखी है वो दे रखी है 80 मीटर और दूसरे वाली दे रखी है 130 मीटर। रेस्पेक्टिवली फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो इस फील्ड का एरिया क्या होगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको तो सबसे पहले इसके अंदर अगर देखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सेवन फार्म इक्वल 1/2 मल्टी डायगोनल ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा टोटल वैल्यू 23,100 मीटर स्क्वायर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगॉन अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट गिवन फिगर। मतलब कि जो भी ये अपने क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर आपको ये इस टाइप का डायग्राम देता है, इस डायग्राम को आपको सॉल्व करना है और इस डायग्राम को फील्ड बुक में बोला जाता है। फील्ड बुक भी बोला जाता है, चाहे फील्ड बुक बोलो चाहे इस तरीके से डायरेक्ट आया था तो दोनों से कुछ भी हो सकता है। अब इसके अंदर अपन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले अपन को देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से डायग्राम बनाए। तो जैसे ये पूरा डायग्राम बना उसके अंदर अलग अलग पार्ट किए, तो जैसे पहला वाला पार्ट जो देखा है आपको ट्राइंगल सेक्टर में देखा है, दूसरा वाला आपको ट्रेपेजियम में देखा है, तीसरा ट्राइंगल, फोर ट्राइंगल और फिफ्थ वाला भी ट्राइंगल देखा है आपको। तो सबसे पहले इनके ऊपर नंबर लगा लो, तो जैसे वन नंबर, ये आपके टू नंबर हो गया, ये आपके थ्री नंबर, ये आपके फोर्थ नंबर और ये आपका फिफ्थ नंबर। कुछ इस तरीके से आपको इसके अंदर नंबर लगा रहे हैं। अब नंबर चाहे आप किसी भी तरीके से लगाओ, चाहे 1, 2, 3, 4, 5 लगाओ, चाहे 1, 2, 3, 4 और 5 लगाओ, किसी भी तरीके से लगा सकते हो। बाकी नॉर्मली अपन को इसी तरीके से नंबर इसमें लगा रहे हैं। अब अपन देखेंगे कि जैसे फर्स्ट नंबर क्या देखा है, ट्राइंगल देखा है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में देखा है जे ओ एन, जे ओ एन इक्वल 1/2 मल्टी बेस मल्टी हाइट। ये फॉर्मूला हो गया इसका, मतलब फर्स्ट और है ट्राइंगल के लिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जे ओ एन इक्वल 1/2 मल्टी बेस मल्टी हाइट। अब अपन देखते हैं कि इसकी बेस क्या होती है और हाइट क्या होगी, तो देखते हैं वापस 1/2। अब आपकी बात जैसे कंट्रोल जो ट्राइंगल दे रखा है वो आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का और ये वाली साइड दे रखी है, दो साइड दे रखी है, तो एक वाली साइड तो ये दे रखी है आपको 30, तो अपन इसको हाइट मान सकते हैं। तो मल्टी हाइट इसके बाद लिख देंगे अपन यहाँ पे 30। और अब आती है बात बेस की, तो बेस के अंदर देखते हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपको देखा है 0 और एंड पॉइंट देखा है आपको 20। मतलब कि आपको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आपको साइज देनी है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो है 0 और एंड पॉइंट है 20। तो याद रखो कि लास्ट पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट अगर अपन माइनस कर देते हैं तो अपने ये वैल्यू अपने आ जाती है। तो 20 में से जब 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 ही आना, तो आप अपन क्या करेंगे यहाँ पे बेस लिख देंगे 20। या फिर ऐसे याद नहीं रहता तो एक बार का अपन इस तरीके से कर सकते हैं 20 - 0। अब इसके बाद में 1/2 20 - 0 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में 20 आएगा मल्टी 30 इस तरीके से लिख देंगे। अब 2 उसको 20 से करेंगे तो मेरे हिसाब से 10 टाइम्स आता है, और उसके बाद में 10 - 30 अगर करते हैं तो मेरे हिसाब से आंसर आ जाता है 300। और आपको जो वैल्यू जो दे रखी है आपको वो मीटर में दे रखी है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे मीटर स्क्वायर। ये सारी चीजें आपको मैंने मीटर में दे रखी है, यहाँ पे मीटर, ये भी मीटर में है, ये आपको मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, लेकिन सारी जो वैल्यूज है वो आपको मीटर में दे रखी है, इस वजह से अपन यहाँ पे क्या करेंगे 300 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अपन सेकंड नंबर करेंगे, तो सेकंड नंबर अपने यहाँ पे ट्रेपेजियम दे रखा है, अपन लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब इसके अंदर ट्रेपेजियम का नाम भी लिखना पड़ेगा, तो ट्रेपेजियम का नाम क्या देता है से एन एम क्यू और एम। अब उसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टी हाइट, 1/2 ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टी हाइट, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अगर पैरेलल साइड देखते हैं तो एक तो ये वाली दे रखी है और एक ये वाली दे रखी है, तो पैरेलल साइड एक तो होगी 30 की और दूसरी क्या अपने 50 की, तो 30 मीटर + 50 मीटर ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद आती है बात हाइट की, हाइट होगी अपने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होती है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में आपने 20 का और एंड पॉइंट आपने 130 का, तो 130 में से 20 को माइनस करेंगे, मतलब कि 130 - 20
वन अपॉन टू ब्रैकेट 30 और 50 हो जाता है आपके पास में 80 मीटर मल्टी 130 में से 20 से माइनस जाएगा तो आएगा अपने 110 मीटर। 2 से अगर कट करेंगे तो आएगा अपने 40, तो 40 मीटर मल्टी 110 मीटर। अब अपन इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4400 मीटर स्क्वायर की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से अगर अपन थर्ड नंबर करते हैं तो आता है अपना ऑब्सोल्यूट ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एम के बाद में अपन
वाली क्वेरी कर रखी है 300 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 300 मीटर स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर की वैल्यू आपके पास में आई थी आपको 400 मीटर स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर की वैल्यू देखिए 750 उसके बाद फोर्थ नंबर की है आपके 600 और फिफ्थ नंबर की आपको देखिए 1400 मीटर स्क्वायर टोटल वैल्यू के पास में आती है 10,450 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको इसकी पूरी वैल्यू निकालनी है, अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, ट्रायंगल में हो सकता है या ट्रेपेजियम में हो सकता है, उसके हिसाब से आपको सारी अलग वैल्यूज निकालनी है और वैल्यूज निकाल के अंदर आपको टोटल कर देना है लास्ट के अंदर। मेन प्रॉब्लम आती है तो इन दोनों साइड्स की आती है, जो कॉमन साइड में चल रही है, जो एक डायंगल में कुछ वैल्यू दे रखी है, तो अपन ट्राइंगल देखेंगे तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, लास्ट पॉइंट आपको 20 देखा तो 20-0 करके इसकी वैल्यू 20 आ जाएगी। इसी तरीके से ट्रेपेजियम में अगर देखते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका 20 देखा, लास्ट पॉइंट आपको 130 देखा, तो 130 में से 20 को जब माइनस करोगे तो पीछे वैल्यू आपके पास में आएगी 110, तो इस ट्रेपेजियम की वाली साइड जो है वो 110 की आ जाएगी। और इसी तरीके से आपको इसके अंदर इसी ट्राइंगल देखा है स्टार्टिंग पॉइंट 130 और लास्ट पॉइंट आपको 200 देखा, तो 200-130 करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 70। तो इसी तरीके से अपने ये ट्राइंगल देखा था, ये वाली साइड अगर आपको चाहिए तो स्टार्टिंग पॉइंट 70, लास्ट पॉइंट आपको 200 देखा, तो 200-70 करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आएगी 130। इसी तरीके से अगर ये वाला ट्राइंगल है तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपके 0 देखा और लास्ट पॉइंट आपको 70 देखा, तो 70-0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास में 70 आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सेम क्वेश्चन 7 जैसा ही है, ये आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखा था, मेजरमेंट ऑफ ईच पार्ट ऑफ द रामलाल फार्म इज गिवन इन द फिगर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग एट द रेट ऑफ ₹4 per meter। अब इसके अंदर देखते हैं अपन कि जैसे ये आपको डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम का आपको टोटल एरिया निकालना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखा था। अब इसके अंदर जो मेन जो प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन के अंदर, तो वो जो बीच वाली जो साइड होती है वो निकालनी ही आती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जैसे ये फर्स्ट वाला जैसे ट्रायंगल अपन मानते हैं इसको, तो अपन के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको देखते हैं 0 और एंड पॉइंट देखते हैं इस ट्रायंगल की साइड, जैसे ये ट्रायंगल की साइड है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको 0 देखते हैं और लास्ट पॉइंट आपको 40 देखता है, तो 40-0 करते हैं तो अपने पास वैल्यू कितनी आती है 40 आती है, तो इसकी ये साइड कितनी होगी 40 की। इसी तरीके से जैसे ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम की साइड अपने स्टार्टिंग करनी है आपको यहाँ से और एंड पॉइंट होता है इसका यहाँ पे, तो एंड पॉइंट कितना है 120 है, स्टार्टिंग पॉइंट कितना है 40 है, तो 120 में से 40 को माइनस कर दो तो कितना आएगा 80, तो 80 इसकी साइड होगी। इसी तरीके से ये ट्रायंगल जो दिखता है इसके अंदर भी आपको जैसे स्टार्टिंग हो रही है 120 से, एक खत्म हो रहा है आपके 250 पे, तो 250-120 करोगे तो जितनी वैल्यू आएगी वो इसके बराबर में आएगी। इसी तरीके से ये ट्रायंगल हो गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट देखा 180 और एंड पॉइंट देखा 250, तो 250-180 कर लो तो जो भी वैल्यू है वो आपकी इसकी हो जाएगी। इसी तरीके से ये ट्रेपेजियम है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जैसे 180 देखा है और स्टार्टिंग पॉइंट 70 देखा और एंड पॉइंट आपको 180 देखा, तो 180-70 करोगे तो आपके पास में वैल्यू जो है वो आएगी 110। इसी तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट आपके इस ट्रायंगल की ये साइड जो है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको 0 देखा और एंड पॉइंट आपको 70 देखा, तो 70-0 करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आनी 70 आनी, तो इसकी जो वैल्यू है साइड की वो होगी आपके 70। तो इसी को आपको ध्यान में रखते हुए इसका पूरा एरिया निकालना है, और पूरा एरिया निकालने के बाद में एक नया काम बोल देना इसके अंदर, जिसके अंदर आपको बोला गया है इसकी कॉस्ट भी निकालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग एट द रेट ऑफ ₹4 per meter आपको दे रखी है, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दे रखी है, तो जितना आपका एरिया आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि टोटल कॉस्ट भी आपको उसमें निकालनी है। नॉर्मल सा काम है, पहले एरिया निकालो, एरिया निकालने के बाद जो वैल्यू आती है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग भी इसमें निकालनी है।